हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा आठवीं जिसका विषय है गणित, इसकी असेसमेंट वर्कशीट थ्री समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 16 सितंबर 2020। तो आज की जो ये असेसमेंट वर्कशीट है, ये किन वर्कशीट्स पे बेस्ड है? वर्कशीट नंबर 13 to 18 जो हमने की है ना, वर्ग और वर्गमूल वाली, उन्हीं पे बेस्ड ये वर्कशीट है हमारी। ठीक है, चलिए एक बार पहले वर्कशीट देख लेते हैं। हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है और एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके पास सारे। टोटल आपको कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 10 मार्क की वर्कशीट हो गई है। ठीक है, बताइएगा मुझे जरूर कमेंट करके कि आप लोगों के आंसर, सॉरी, आप लोगों के कितने मार्क्स आए। वर्कशीट खुद करने की कोशिश कीजिएगा, पहले एक बार अच्छे से समझ लीजिए, फिर खुद से कीजिएगा वर्कशीट को। ठीक है, शुरू करते हैं। चलो यहाँ पर कह रहे 99² - 1 का मान बताओ। तो 99² तो 99 का स्क्वायर कर लेते हैं, मतलब 2 बार 99 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 99 × 99 होता है मेरे पास 9801, माइनस का 1 कर दो तो कितना आ जाएगा, 9800। पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान था, है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। कह रहा है एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल 144 वर्ग इकाई है, बोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? देखो, आपको एक वर्गाकार बोर्ड का क्षेत्रफल दे रखा है, अब इसकी लंबाई निकालनी है। तो क्षेत्रफल का अगर मैं आपसे सूत्र पूछूं तो वो मेरे पास होता है भुजा का वर्ग, यही होता है ना। अब क्षेत्रफल 144 है और यहाँ पर है भुजा का वर्ग। ठीक है, अब 144 किसका वर्ग होता है, तभी तो भुजा निकल पाएगी, वो होता है 12 का। तो 12 का वर्ग इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, भुजा का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट गया तो भुजा कितनी आ गई, 12। तो 12 इकाई मेरा यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद है आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, 121 के वर्गमूल संख्या की इकाई के अंक संभवित कौन कौन से हो सकते हैं? तो देखो, 121 के वर्गमूल, तो 121 इसके लास्ट में 1 है, तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जब हम उनका वर्ग करते हैं तो लास्ट में 1 आता है? एक तो 1 का करते हैं तब आता है 1 × 1 1 होता है, और एक 9 का करते हैं तब भी तो आता है 9 × 9 = 81, लास्ट का 1 ही द्वारा है। तो पॉसिबल कौन कौन सी हमारी अंक हो सकते हैं, यहाँ पर 9 और 1 हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में आपसे कह रहा है यदि x² = 7225 है तो x कितना होगा, आपको x का मान निकालना है। तो ऐसा करते हैं, x यहाँ से वर्ग हटाते हैं और यहाँ पर रूट लगा देते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये किसका वर्ग होता है, तो गुणनखंड कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, रब वर्ग दे तो रखा है हमारे को। सबसे पहले मुझे यहाँ इसके लास्ट में 5 दिखाना, तो मैंने इसको क्या किया, 5 से ही डिवाइड कर दिया। तो मेरा यहाँ पर 5 से डिवाइड करने पे 1445 आया। फिर अभी भी मुझे लास्ट में 5 दिख रहा है, फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया। तो मैंने जब इसको 5 से डिवाइड किया तो 289 आया। अब ये तो 17 का वर्ग होता है, तो 17 × 17 17 1 = 17, तो मैं ये लिख सकती हूँ इसको 5 × 5 × 17 × 17, और ये अंडर रूट ऐसी है, इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, तो x कितना आ जाएगा, 5 × 17। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 17 को 5 से इंटू कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा 85। इसका मतलब इसका जो ये किसका वर्ग होता है, 85 का। जब आप 85 को 2 बार गुना करोगे तो 7225 आएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। कह रहा है एक वर्गाकार रुमाल की भुजा 16 सेमी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक रुमाल है जो वर्गाकार आकार का है, उसका क्षेत्रफल बताना है। अभी हम क्षेत्रफल का सूत्र करके आए हैं, भुजा का वर्ग, तो इसका मतलब मैं 16 का वर्ग कर दूंगी तो पता चल जाएगा, वो होता है मेरे पास 256। तो सीधा सीधा आंसर निकल गया यहाँ पर 256। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इनमें से कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है? तो याद है आप लोगों को, हमने जब ये वर्कशीट में समझा था पाइथागोरस त्रिक, तो हमने क्या समझा था कि जो 2 छोटी संख्याएं हैं उनके वर्ग का जो योग होता है वो तीसरी जो बड़ी संख्या है उसके योग के वर्ग के बराबर होता है, यही किया था। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर जो है वो 17² बराबर होगा, 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर जो है वो 10 के स्क्वायर के बराबर होगा, 24 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर जो है वो 25 के स्क्वायर के बराबर होगा, और 12 का स्क्वायर + 16 का स्क्वायर जो है वो 20 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, कह सकती हूँ। चलो देखते हैं, मैच हो रहा है नहीं हो रहा। तो देखो, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का होता है 25, और 17 का होता है 289। क्या प्लस करके 289 आएगा? नहीं आएगा, इसका मतलब ये पहला ही नहीं है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए सेवंथ करते हैं। कह रहे संख्या 100 प्राप्त करने के लिए 1 से लेकर कितने क्रमागत विषम संख्याओं का योग करना होगा? देखो, आपको चाहिए 100, तो कह रहा है कितनी विषम संख्या, लगातार वाली विषम संख्या को जोड़े तो 100 आ जाए। तो 100 होता किसका वर्ग है, 10 का ना, तो इसका मतलब 10 संख्याएं जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे करके आप जोड़ो, लाइन से जो 10 है स्टार्टिंग की वो जोड़ना, तो 100 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। कह रहे दी गई संख्याओं में से किन संख्या और उसके वर्ग संख्या की इकाई का अंक समान है? मतलब अगर आप किसी भी संख्या का वर्ग करो
तो जो उसकी लास्ट वाला अंक आएगा वो सेम हो, और जिसका आपने वर्क किया उसकी लास्ट वाली संख्या, जो वो दोनों सेम होनी चाहिए। तो देखो अगर आप 23 का वर्क करोगे ना, तो इसकी लास्ट की संख्या 9 आएगी, क्योंकि 3 3 जो 9 होता है। इसका करोगे तो 9 9 जो 81 होता है, तो लास्ट की संख्या 1 आएगी। इसका करोगे तो 5 5 जो 25 होता है, लास्ट की संख्या 5 ही आएगी। 5 5 हो गया ना, मैच हो रहा है ना, दोनों एक जैसी हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है वह पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। आपको एक संख्या दे रखी है, बाकी दो आपको निकालनी है। तो कैसे सीखा था हमने निकालना, हमने यही तो सीखा था, 2m इज इक्वल टू में 12 कर देंगे तो m कितना आ जाएगा, 12 अपॉन में 2। तो इसको इससे कट किया 6, m का मान आ गया 6। ये आपके पास सम संख्या है इसलिए हम ये लगा रहे हैं। फिर एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1, तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 1 और 6 का स्क्वायर प्लस 1। तो 6 6 जो 36, 36 में से 1 गया 35, 6 6 जो 36, 36 में 1 प्लस किया 37। तो तीन कौन कौन सी आ गई, एक 6, एक 35 और एक 37। लेकिन अगर आप अपने ऑप्शन में देखो, ये तीनों किसी भी एक ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ना, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ये 6, 35 और 37 है। आप एक बार अपनी टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा कि मैम हमारा ये आंसर आया है बट ऑप्शंस में ये नहीं है, तो क्या करना है। ठीक है, चलिए लास्ट करते हैं। कह रहे हैं दशमलव संख्या 7.29 का वर्गमूल बताइए, इसका वर्गमूल आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 7.29 है, ऐसा करते हैं पहले दशमलव ये पॉइंट हटा के नीचे 100 कर लेते हैं। अब आ गया 729 अपॉन में 100, तो इसका वर्गमूल बताना है। तो देखो 100 आपको पता है 10 का स्क्वायर होता है, होता ही नहीं होता, और 729 27 का स्क्वायर होता है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपको जो स्क्वायर है ये वर्ग है, ये आपको याद करने हैं। अप टू 20 करो तो बहुत अच्छी बात है, अप टू 30 करो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, अब इसको मैं ये लिख सकती हूँ 27 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, और ये रूट, इस रूट से इसको कट कर दिया तो कितना बचा 27 अपॉन 10, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 2.7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 2.7। क्लियर, इसी के साथ हमारी ये छोटी सी वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 3, असेसमेंट वर्कशीट 3, जो कि यहाँ कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वर्कशीट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं। थैंक यू।